नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं नरेंद्र पाल सिंह आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज जो बीए द्वितीय वर्ष का जो टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बहुत शानदार है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व रखता है। कई बार परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजना के बारे में। अगर जिंदगी शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, जो पसंद है उसे हासिल करो, जो नहीं हासिल है उसे पसंद करो, जो हासिल नहीं है उसे पसंद करो। यही दो ही तरीके जिंदगी के हैं, तभी जिंदगी आपको आसान लगने लगेगी। आज जो मैं टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो मोहम्मद बिन तुगलक की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ही दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है, मैंने टाइम पीरियड है वो 1325 ईस्वी से लगाकर 1351 ईस्वी तक दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद में। और इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत वो कई प्रकार की योजना चलाता है और इस योजना में वो असफल हो जाता है तो कई इतिहासकार उसे पागल सुल्तान भी कहते हैं कि उसने जितनी भी योजना चलाई वो योजना असफल हो जाती है, जिसके कारण दिल्ली को आर्थिक समस्या झेलने पड़ती है। चलो उनकी योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कृषि विभाग की स्थापना, दो आब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन विजय योजना, नगर कोट की विजय 1337 ईस्वी और कराजल पर चढ़ाई, ये उसने योजना चलाई थी। आज हम पहली योजना की बात करें वो कृषि विभाग की स्थापना। किसकी? कृषि विभाग की स्थापना की बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। कृषि विभाग की सबसे पहले स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसने दिल्ली के सल्तनत पर बैठते ही कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग की स्थापना की इस योजना के अंतर्गत उसने एक ऐसी भूमि का चयन किया कि जो बिल्कुल बंजर है, जिसके ऊपर एक भी जो बंजर है यानी उसके ऊपर कोई भी नहीं उगाया जा सकता है, उसने 70 वर्ग किमी भूमि का चयन किया जो बिल्कुल बंजर है। क्या है? बंजर है। वो अपने राजकोष को भरने के लिए ये योजना चलाई थी। वो बंजर भूमि का चयन करता है 70 वर्ग किमी भूमि पर। वो अपने प्रांतीय अधिकारियों को इस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 5 वर्ष का समय देता है। प्रांतीय अधिकारी को मोहम्मद बिन तुगलक हैं, वो अपने प्रांतीय अधिकारियों को कितने 5 वर्ष का समय देता है, कितने वर्ष का? और इसके साथ में वो 5 वर्ष के अलावा उसको उनको 65 लाख रुपए देता है। कितना देता है? 65 लाख रुपए आप उसके ऊपर खर्च कर सकते हैं और 65 लाख खर्च करने के में आप उसको बंजर भूमि को क्या बनाना है? उपजाऊ बनाना है अपने राजकोष को भरने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी अधिकारी थे वो 65 लाख रुपए लेकर चले गए। और जब एक दिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इस योजना 5 वर्ष के लिए चलाई थी, 2 वर्ष के बाद वो इस योजना का करता है निरीक्षण। क्या करता है? और निरीक्षण में जब देखता है तो मोहम्मद बिन तुगलक जब 2 वर्ष के बाद में निरीक्षण करता है कि जो भूमि हमने उपजाऊ करने के लिए चयन की थी तो वो उस पर तो एक घास का तिनका भी नहीं उगा था और पैसे भी सारे खर्च हो गए थे। इन प्रांतीय अधिकारियों पैसे भी खर्च किए और एक घास का तिनका भी वहाँ नहीं उगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस योजना को हमेशा के लिए त्याग दिया। एक इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार आप कह सकते हैं, वो इतिहासकार कहते हैं LL श्रीवास्तव कहते हैं
कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजना चलाई थी उसमें जो 5 वर्ष का जो समय दिया गया था वो बहुत कम था, उसको कम से कम 5 वर्ष तक तो इंतजार करना चाहिए था। 5 वर्ष के अंतर्गत कोई भी भूमि है वो उपजाऊ नहीं हो सकती है, उसने इंतजार नहीं किया, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक की ये पहली योजना असफल हो गई। 70 वर्ग किमी का सहन करता है, उसमें 65 लाख रुपए खर्च होते हैं, 5 वर्ष का समय होता है, उपजाऊ नहीं होती है, 2 वर्ष में उसका निरीक्षण किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और योजना पूरी तरह से असफल हो जाती है। दूसरी अगर योजना की अगर हम बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी योजना दोआब में कर वर्दी। दोआब है वो एक हिमालय क्षेत्र का एक स्थान था। दोआब क्षेत्र गंगा और यमुना नदी के जो बीच का क्षेत्र है वो दोआब क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था। क्या था? उपजाऊ क्षेत्र था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था, जिसके कारण खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोआब क्षेत्र में 50% टैक्स लगाया था। कितने प्रतिशत? 50% दोआब कर क्षेत्र में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की योजना पर चलते हुए उसने भी दोआब क्षेत्र पर दोआब क्षेत्र की जनता के ऊपर कर बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? कर बढ़ा दिया। ये हिंदुस्तान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाता है तो दुर्भाग्य की बात देखो कि उस समय 5 वर्ष तक वहाँ बरसात नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ की जनता की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि जनता ने कृषि कार्य करना भी छोड़ दिया था कि हम कृषि कार्य भाई नहीं करेंगे। जिसके कारण जब मोहम्मद बिन तुगलक ने जब इस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पाया गया कि कहीं जनता कृषि कार्य करना छोड़ दिया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ की जनता को तबाह की ऋण उपलब्ध करवाता है और ये जनता इस ऋण का उपयोग कृषि कार्य में न करके अपने व्यक्तिगत कार्य में करते हैं, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को या दिल्ली की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और तुगलक को मजबूर होकर ये योजना भी त्यागनी पड़ती है। जो हिंदुस्तान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था कौन? दोआब क्षेत्र। दो योजना के बारे में हम बात कर चुके हैं। दोआब क्षेत्र कहाँ का? गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब क्षेत्र कहलाता है, जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, जहाँ पर कर बढ़ा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजकोष को भरने के लिए। तीसरी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की थी, पुरानी योजना में असफल होने के कारण कहीं उनके धन की कमी हो गई थी, राजकोष को भरना चाहते थे, जिसके कारण उसने एक नई और योजना चलाई कि मुझे अगर किसी दूसरे राज्य के ऊपर अगर आक्रमण करना है तो मुझे केंद्र से होकर करना पड़ेगा, दिल्ली मेरे केंद्र में नहीं है। तो उसने दिल्ली से एक दूसरी राजधानी बनाई, दिल्ली से अपनी राजधानी परिवर्तन करता है वो देवगिरी में, कहाँ पर? मोहम्मद बिन तुगलक। और राजधानी परिवर्तन करते ये देवगिरी कहाँ पर है? गुजरात के अंतर्गत। बहुत प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है, गुजरात के अंतर्गत है। इसी देवगिरी को राजधानी बनाने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी का नाम परिवर्तन करते हुए रखता है दौलताबाद। क्या रखता है? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। उसने सभी जनता से आदेश निकलाया कि दिल्ली में कोई भी जनता यहाँ नहीं रहेगी, आपको दौलताबाद चलने के लिए बाध्य कर दिया, जिसके कारण कहीं जनता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर नाराज हो गई थी, उसे मोहम्मद बिन तुगलक अप्रिय लगने लगा था। सभी जनता को लेकर मोहम्मद बिन तुगलक
दौलताबाद के लिए रवाना हो जाता है और वहाँ पर इन जनता की सुख सुविधा के लिए वो उनकी भोजन की व्यवस्था करता है और साथ में भोजन के साथ उनके विश्राम गृह की व्यवस्था करते हैं, जिसके कारण दिल्ली का राजकोष पूरी तरह से रिक्त हो जाता है, यानी रिक्त हो जाता है। जब वो दौलताबाद पहुंचने के बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक, एक बर्नी नामक इतिहासकार कहते हैं, बर्नी नामक इतिहासकार कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पहुंचने के बाद में अपने सैनिकों को दौलताबाद पहुंचने के बाद अपने सैनिकों से को आदेश देता है कि आप दिल्ली का पुनः निरीक्षण किया जाए, क्या पता कोई जनता वहाँ रही तो नहीं। उनके सैनिकों के द्वारा जो पुनः निरीक्षण किया जाता है तो वहाँ पर दिल्ली की गलियाँ एक एक वीरान हो गई थी, यहाँ तक कुत्ता और बिल्ली भी वहाँ नहीं पाया गया। वहाँ पर मात्र दो व्यक्ति पाए गए, एक व्यक्ति अंधा था, उसे उसी समय मौत के घाट उतार दिया जाता है, और एक लंगड़े व्यक्ति को घोड़े के पीछे बांध दिया जाता है और वो दिल्ली से दौलताबाद उसको घसीटते हुए लाया जाता है, और वहाँ पहुँचते पहुँचते एक उसकी टांग ही वहाँ तक जाती है, ऐसा बर्नी नामक इतिहासकार कहते हैं। उसने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी बनाई, देवगिरी गुजरात के अंदर स्थित है, उसका नाम परिवर्तन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, रखा दौलताबाद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और बर्नी इसके बारे में कई बार कहते हैं कि राजधानी परिवर्तन कुछ समय के बाद में वहाँ की जनता इस दौलताबाद के अंतर्गत इतनी परेशान हो जाती है कि वो पुनः उसे राजधानी दिल्ली लेकर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, और यह योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक की असफल हो जाती है, और इसमें उसे कई प्रकार की आर्थिक समस्या को झेलना पड़ता है मोहम्मद बिन तुगलक को। तीसरी जो योजना चलाता है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। किसका? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक है वो पिछली योजना में बहुत आर्थिक समस्या झेलनी पड़ी, जिसके कारण वो एक दूसरी योजना चलाता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसने जनता से कहलवाया या जनता में आदेश दिया कि अब वो सिक्के ढालने का बहुत बड़ा शौकीन था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने बहुत उच्च श्रेणी के सिक्के ढलवाए थे, और उसने जनता से कहा कि उसने पीतल के सिक्के सर्वाधिक ढलवाए थे, पीतल और तांबे के सिक्के उसने चलवाए। उसने जनता से कहा कि तांबे और पीतल के जो सिक्के हैं उसके बराबर ही चांदी के सिक्के की को रखा गया, आप पीतल और तांबे के सिक्के के बराबर चांदी के सिक्के ले जा सकते हो, और चांदी के बदले पीतल और तांबे के सिक्के ले जा सकते हो, जिसके कारण जनता ने उसका दुरुपयोग कर दिया और वहाँ की जनता ने अपने घर में ही टक्सटाल बना दी और सिक्के ढालना शुरू कर दिया, और इन सिक्कों पर कोई राजचिन्ह नहीं था भाई, राजचिन्ह नहीं होने के कारण जनता ने अपने घर पर ही सिक्के इतने बना दिए, जिसके कारण व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया, और व्यापारियों ने इन तांबे और पीतल के सिक्के लेने बिल्कुल बंद कर दिए, उन्होंने चांदी के सिक्के लेने शुरू कर दिए, जिसके कारण यहाँ की जनता की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, और मजबूर होकर मोहम्मद बिन तुगलक को ये योजना को हमेशा के लिए त्यागना पड़ा, और उसने जनता से आग्रह किया, जनता से ये कहलवाया कि आप तांबे और पीतल के सिक्के लेकर आए और मेरे पास से चांदी के सिक्के लेकर जाए, जिसके कारण दिल्ली को महान हानि का सामना करना पड़ा, और ये योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक को इस योजना भी समाप्त करनी पड़ी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तांबे और पीतल के बराबर चांदी के सिक्के को रखा गया, जनता उसके ऊपर कोई राजचिन्ह नहीं था, जनता ने घर पर ही ये सिक्के बना दिए, और इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक को ये योजना से भी हाथ हमेशा के लिए धोना पड़ा। पांचवी योजना की बात करें, खुरासन विजय योजना। ये मोहम्मद बिन तुगलक था जो 1325 ईस्वी से 1351 में बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था
वो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, मतलब क्या करना है, महत्वाकांक्षा ही व्यक्ति है तो साम्राज्य विस्तार तो करेगा ही। वो साम्राज्य विस्तार करने के इस मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में खुरासनी व्यक्ति सैनिक थे, क्या थे, खुरासनी नियुक्त थे उनके दरबार सैनिक के पद पर। इन खुरासनियों के कहने से ये मोहम्मद बिन तुगलक इस खुरासन पर अभियान चलाता है, यानी युद्ध के लिए अभियान चलाने के लिए योजना बनाता है। क्या बनाता है कि अगर मैं इस खुरासन पर अगर विजय प्राप्त करूं तो वहाँ से मुझे अथाह धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जिसके कारण वो इसके खुरासन को जीतने में योजना बनाता है। इस जीतने के लिए वो 3,70,000 सैनिकों को करता है इकट्ठा। कितने, 3,70,000 सैनिकों को वो क्या करता है, इकट्ठा करता है, और 3,70,000 सैनिकों को एक वर्ष का वेतन वो पहले से ही दे देता है। कितना, एक वर्ष का वेतन पहले से ही वो सैनिकों को देता है। उस समय परिस्थितियाँ और कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि अगर एक देश से अगर दूसरे देश पर अगर आक्रमण करना है तो इसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन परिस्थितियाँ हालात को मद्देनजर रखते हुए इस योजना को वो त्याग देता है और सेना को विघटित यानी सेना को विघटित कर देता है, जो 3,70,000 की सेना, जिसके कारण उसको महान हानि का सामना करना पड़ता है। देखो कितना दुर्भाग्य इस शासक का है, जिसे हर योजना से यानी मुँह की खानी पड़ती है, यानी हार माननी पड़ती है। खुरासन विजय योजना, ये खुरासन एक ऐसा स्थान है जो बहुत अथाह धन संपन्न राज्य, इस पर वो आक्रमण करना चाहता था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरी अगर योजना की बात करें, नगर कोट की विजय 1337 ईस्वी में। नगर कोट है वो पंजाब के कांगड़ा जिले के अंतर्गत एक नगर कोट, एक किला है जहाँ पर हिंदू राजा का शासन था, वहाँ विराजते थे। तुर्कों के समय से ही इन लोगों को उनके प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, इन मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तानों को। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये नगर कोट है वो पूरी तरह से क्या था, स्वतंत्र था। क्या था, नगर कोट पूरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के समय भी क्या था, स्वतंत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक इस नगर कोट पर अभियान चलाता है, यहाँ के हिंदू राजा मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य घमासान युद्ध होता है और युद्ध में हिंदू राजा पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं, और पराजित हो जाने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उनको अपना किला लौटा देता है मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके बदले में आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अंतिम योजना, कराजल पर चढ़ाई। कराजल एक ऐसा स्थान था जो हिमालय की घाटियों के अंतर्गत स्थित है। ये एक ऐसा राज्य था जिस पर आज तक किसी तुर्क सुल्तानों ने शासन आज तक भाई नहीं इसके ऊपर नहीं किया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो इस राज्य पर अधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इसके लिए वो योजना बनाता है और 1000 सैनिकों को मलिक खुसरो के नेतृत्व में कराजल पर अभियान के लिए भेजता है। उस पर वहाँ जाकर वो अधिकार तो हो जाता है, लेकिन जब उसकी सेना पुनः लौटती है तो दुर्भाग्य की बात, देखो हिमालय पर्वत के बीच में वो सेना फंस जाती है। और एक इतिहासकार का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक की खुरासन विजय के बाद लौटते समय उसके 1,00,000 सैनिक में से केवल 10 से 15 सैनिक ही पुनः दिल्ली लौटते हैं और बाकी सभी सैनिक वहीं मर जाते हैं। इससे मोहम्मद बिन तुगलक को महान तबाही का सामना करना पड़ता है, और इसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को ये योजना भी हमेशा के लिए त्यागनी पड़ती है। मोहम्मद बिन कृषि विभाग की स्थापना, दोआब में करवर्दी, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन विजय योजना, नगर कोट की विजय 1337, कराजल पर चढ़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तब तक के लिए मैं नरेंद्र पाल सिंह आपसे विदा लेता हूँ, और अगले वीडियो के अंतर्गत हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो भी BA द्वितीय वर्ष के अंतर्गत वो भी बहुत अधिक महत्व रखता है। धन्यवाद।